क्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने में जुट गए हैं? ये सवाल कुछ ऐसा है जो बिहार की राजनीति में इन दिनों खूब चर्चा में है। कारण ओपी राजभर की बिहार में सक्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार करीब 8% वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते रहे हैं। यह वोट बैंक पूरी ईमानदारी के साथ नीतीश कुमार से जुड़ा रहा है। वे जिस भी पाले में गए हों, उनका यह वोट बैंक उनके साथ जुड़ जाता है। एनडीए का साथ छोड़ महागठबंधन में जाने का फैसला करने के बाद इस वोट के अलग होने के दावे किए जा रहे हैं। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं ने जोर लगा लिया, लेकिन कुर्मी कोयरी महादलित वोट बैंक में सिंघमारी नहीं कर पाए। अब एक बार फिर नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर बिहार में सक्रिय हैं। उनकी सक्रियता से महादलित वोट बैंक में सिंह की संभावना बढ़ने लगी है। इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। राजभर का फोकस अति पिछड़ा वर्ग को अपनी तरफ लाना है, ठीक वैसे ही जैसे एक समय मायावती ने दलित वोटों को अपनी तरफ लाकर किया था। हम आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर जीत दर्ज कर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से आगे निकली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार में संभावनाओं की तलाश कर रही है, या फिर बीजेपी की संभावनाओं को मजबूत कर रही है, यही चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दरअसल सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने बिहार के करीब दर्जन भर जिलों में अपनी सक्रियता बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसमें से गया समेत करीब 9 जिलों में उनकी रैली हो चुकी है। गया जिले में एससी ओबीसी आबादी ही जीत का समीकरण तय करती रही है, इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत यह सीट जेडीयू के पाले में चली गई थी। जेडीयू ने यहां से जीत भी दर्ज की। अब जेडीयू के राजद के साथ आने के बाद गठबंधन से नाराज होने वाले दलित, महादलित और ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में राजभर जुटे दिखते हैं, या फिर नाराजगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वोट राजभर के पाले में शिफ्ट होते हैं तो नुकसान में आरजेडी जेडीयू गठबंधन होगा, सीधा फायदा बीजेपी को ही जाएगा। इसीलिए सवाल यह उठ रहा है कि क्या राजभर बीजेपी की मदद कर रहे हैं? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद की थी। उन्होंने बीजेपी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन भी टूट गया। बिहार में उनकी सक्रियता ने सवाल खड़े किए हैं। दावा किया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ घुल मिल गए हैं। राजभर ने कहा कि रैली में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा दिया। जातिगत जनगणना का मुद्दा नीतीश कुमार ने सबसे पहले उठाया था। इसको लेकर वह प्रस्ताव भी पारित किए और केंद्र सरकार को भेजा। जातिवार जनगणना के मामले में नीतीश के समर्थन में बीजेपी खड़ी थी और आरजेडी भी। ऐसे में अब जब नीतीश बीजेपी से पल्ला झाड़ चुके हैं, आरजेडी के साथ मिल चुके हैं, तो फिर जातिवार जनगणना को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही। राजभर ने इसी मुद्दे में अपनी राजनीति ढूंढने की कोशिश की है। वह बिहार सरकार पर जातिवार जनगणना करवाने का दबाव बनाकर अति पिछड़ा वर्ग में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और जदयू गठबंधन की सरकार बनी है। कल तक राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट और जदयू के लोग ये कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी बाधक है, जातिवार जनगणना नहीं करने दे रही है। अब तो आप स्वतंत्र हो गए हैं। एक तरफ जदयू, राजद, कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार है, तो हम तो माननीय तेजस्वी यादव जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार,
और चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश जी से कहूंगा कि अब तो आप लोग स्वतंत्र हैं और बिहार से ही शुरू करिए जातिवार जनगणना का ऐलान, और आप लोग मिल करके बिहार में जातिवार जनगणना 6 महीने के अंदर करा करके ये साबित करिए कि हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को हिस्सा देना चाहते हैं, इनकी भागीदारी देना चाहते हैं। जातिवार जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देना चाहते हैं। क्योंकि मैंने टीवी पर, अखबार में, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने पढ़ा कि मुख्यमंत्रित्व काल में भी माननीय नीतीश कुमार जी बार बार जातिवार जनगणना कराने का ऐलान करते रहे हैं और बताते रहे कि भाजपा बाधक बनती थी। अब तो भाजपा बाधक नहीं है, अब तो आपके सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट, ये लोग भी चाहते थे कि बिहार में जातिवार जनगणना हो, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि पूरे देश में जातिवार जनगणना हो, ताकि इस देश में रहने वाले अहिर, गड़ेरी, कुंभी, कोयरी, भर, चमार, मुसार, धोबी, कटिक, पासी, केवट, बीनमला, जोड़ा, दुनिया, सारी, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया। बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी ओम प्रकाश राजभर के इन बयानों की खासी चर्चा हो रही है। प्रदेश में उनकी सक्रियता के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनका बिहार अभियान और प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है। राजभर की पिछले 1 महीने की बिहार में सक्रियता को देखते हैं तो आप पाएंगे कि वह हर 2 से 4 दिन के अंतराल पर एक रैली कर रहे हैं। इन रैलियों में उनके निशाने पर नीतीश कुमार रहते हैं। अगस्त के पहले पखवाड़े में बीजेपी से अलग होने वाले नीतीश कुमार पर वे सीधे हल्ला बोल रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के विकास को लेकर किए जाने वाले कार्यक्रमों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जनसभाओं में राजभर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पिछड़ा वर्ग से हैं, तेजस्वी यादव भी इसी वर्ग की राजनीति करते हैं। मंडल कमीशन के बाद बदले माहौल की राजनीति करने वाले दोनों नेता करीब 30 सालों तक बिहार की सत्ता में रहे हैं। राजभर का सवाल है कि इन 30 सालों में क्या अति पिछड़ों की स्थिति में सुधार हुआ है? बिहार में पिछले 1 साल में जातीय जनगणना के मुद्दे को खासा गरमाया गया। इसे पहले आरजेडी की ओर से उठाया गया। लालू प्रसाद यादव भी जातीय जनगणना की वकालत करते रहे हैं। आरजेडी की राजनीति का काउंटर करने के लिए पहले नीतीश कुमार ने इसकी वकालत की, फिर बड़े स्तर पर प्रयास शुरू किए गए। बिहार बीजेपी भी गठबंधन धर्म निभाते हुए जेडीयू के साथ हो ली। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कभी इसकी बात करता नहीं दिखा। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर मामला उठाया गया, मांग रखी गई। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर केंद्र जातीय जनगणना नहीं कराती है तो राज्य सरकार के स्तर पर जातीय जनगणना कराई जाएगी, लेकिन गठबंधन सरकार बनने के बाद से इस मामले में कोई चर्चा नहीं हो पाई है। अब ओम प्रकाश राजभर इसी मुद्दे को गर्माकर देश भर में विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे नीतीश कुमार को उनके ही घर में घेरने की कोशिश में जुट गए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने 27 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सावधान महारैली का आयोजन किया है। इसके जरिए वे अपनी राजनीति बिहार में साधने की कोशिश करेंगे। इसमें अति पिछड़ा और महादलित समुदाय को एकजुट होने का आह्वान किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले राजभर के मधेपुरा, कैमूर, बक्सर, सासाराम, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, नवादा और राजापुर में बड़ी रैलियों को संबोधित किया है। इसमें जुटने वाली भीड़ ने सत्ताधारी गठबंधन के रणनीतिकारों को भी चौंकाया है। बक्सर में जिस प्रकार से वे लोगों से कनेक्ट करते दिखे हैं, वह भी बिहार की सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। ऐसे में राजभर के बीजेपी से कनेक्शन की चर्चा भी छेड़ दी गई है। वैसे सावधान महारैली की सफलता और असफलता पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। अगर आपको हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसी तरह की दूसरी विश्लेषणात्मक स्टोरी के लिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आप तक और रोचक
दिलचस्प और विश्लेषणात्मक खबरें पहुंचाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएडी न्यूज, पटना।